Hey guys, welcome to my 24th video. अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले. Hello. Welcome to my 24th video. मुझे दो तीन दिन से एकदम ज्यादा extrovert feel हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग के लिए एक अच्छा सा YouTube वीडियो शूट कर लेती हूँ, जो कि तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. देखो विंटर ऑलमोस्ट आ गया है और विंटर में मोस्टली सभी लोगों का कहना चालू होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोग के साथ मैं अपनी स्मूदी रेसिपी शेयर कर दूँ, जो कि मैं बहुत सालों से पी रही हूँ, एकदम चुम्बसवरी. कोई ज्यादा टाइम पास नहीं करती मैं, अभी हम लोग सीधा कूद कर मारते हैं रेसिपी में. और देखो गेनिंग में ना स्मूदी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे दिन की कैलोरीज यूं खत्म करेंगी. बनाने में एकदम इजी है, कंज्यूम करने में एकदम इजी है, तो बेस्ट. तो हेड असल करते हैं, फैंसी लोग. चलो मैं अपनी स्मूदी इसमें बनाने वाली हूँ. ये ब्लेंडर है जो कि ऐसे वर्क करता है, और मुझे पता नहीं है कि इसमें बैटरी कितनी बची है, तो कुछ भी हो सकता है. सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं ओट्स. मैं कुछ एक स्कूप जितने ओट्स ले रही हूँ, और अब हम लोग इसको कर लेंगे ब्लेंड. तो मैंने ब्लेंड इसीलिए किया क्योंकि मुझे पर्सनली स्मूदी में ओट्स चबाना पसंद नहीं आता, तो मैं इसको ब्लेंड करके हल्का सा इसका पाउडर फॉर्म कर देती हूँ. नेक्स्ट अब हम लोग इसमें डालेंगे बनाना. उसके बाद गाइस 8 से 10 हम लोग इसमें, अरे ये कहीं तो बताओ यार, बादाम, यार बादाम नहीं जुई. मैंने इसको हाफ कर दिया है कट करके, ताकि ये अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाए. नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे मिल्क. अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम पानी के साथ भी अपनी स्मूदी बना सकते हो, लेकिन स्मूदी का असली मजा मिल्क के साथ ही आता है. तो इसमें हम लोग डालेंगे मिल्क. बहुत डाल दिया मैंने, इतना नहीं डालना था. अब इसको कर लेंगे ब्लेंड. आई थिंक सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो चुका है. नाउ देखो, अगर तुम लोग गेन कर रहे हो ना, तो तुम्हारे शेक या स्मूदी में भर भर के हेल्दी फैट्स डालो. तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच पीनट बटर. स्टॉप. अब इसमें जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है प्रोटीन पाउडर. ये है मसल बेस का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे पीआर. ये नया फ्लेवर है, चॉकलेट फज फ्लेवर. और इसकी सबसे अच्छी चीज कि आपको इसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मिलता है. आप इसको अपने स्मूदी या शेक में 1-2 स्कूप अपने हिसाब से डाल सकते हो. मैं इसमें 1 स्कूप डालने वाली हूँ. देखो मसल ब्लेज के ना सारे प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, तो अगर तुम लोग को ये परचेज करना है तो मसल ब्लेज की ऐप से या उनके साइट से परचेज कर सकते हो. और मेरा डिस्काउंट कोड जरूर यूज कर लेना, जो कि है ईशानी MB. आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा. मसल ब्लेज का ना ये अब तक का सबसे अच्छा फ्लेवर इन लोग ने निकाला है. तो पहले ना मेरा मैंगो फ्लेवर फेवरेट था, बट अब ये मेरा फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर. खत्म भी होने आएगा इस तो. दोबारा इसको कर लेते हैं ब्लेंड. ये एकदम अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो मैं इसको अभी अपने जार में निकाल देती हूँ. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी पी सकती हूँ, लेकिन मुझे एकदम अभी ना मुझे फैंसी हरकतें करनी है अभी, तो मैं इसको जार में निकालूंगी. कभी भी इसका ढक्कन खोल के इसको ब्लेंड नहीं करना चाहिए. यज्ञेश मत करो, हम लोग बुद्धि वाले हैं, हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते. Wow. Huh?
बनाना मैं स्मूदी चाह रही थी लेकिन शेक बन चुका ये क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा मिल्क डाल दिया था इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसको ट्राई करना और मेरे को बताना कि तुम लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं कितने टाइम बाद ये सब बोल रही हूँ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओहो, ये नमन उमा आर्टिया।